देख सकते हैं अल्बेस्टर पूरी तरह से चढ़ रहा है हमारा। देख लीजिए, सपनों के घर में अल्बेस्टर लग गया है। काफी सुंदर दिख रहा है, लग रहा है दोस्तों हमारा घर सपनों का घर जैसा है। तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे घर में अल्बेस्टर लगेगा। मतलब अल्बेस्टर का ऑर्डर तो हम लोग कल ही दे दिए थे, तो आज तो बोले थे दे देंगे सुबह सुबह, अगर आ जाएगा तो दोस्तों हमारे घर में अल्बेस्टर लगेगा टाइम से। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से हमारा घर बन रहा है दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। नन्नी जी तो अपना काम में व्यस्त है, वो गुल्लू को खाना वाना खिला रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ब्लॉग तो बने रहे, इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार देते रहे। हमारा अल्बेस्टर भी आ गया दोस्तों, दो तरह का अल्बेस्टर लाए हैं, एक कुनाक का है, एक 8 फीट का है नीचे दोस्तों, ऊपर का 10 फीट है। देख लेते हैं कि सही है कि नहीं, कहीं करेक्ट उरेक्ट भी रहता है। चलिए बैठ के देखिए, तो हुक आ गया, हुक भी आ गया है। हाँ, तो अल्बेस्टर से छेद होके जाता है नीचे, काफी बड़ा नहीं है। पूछ लो मिस्त्री से, ये देखिए ये वाला साइज है ना, फिर भी साला बड़ा और पीछे कुछ फाड़ दिया। ये हमारा पूरा अल्बेस्टर उतर गया है। क्या हो रहा है? गुल्लू का वो कब से उठा हुआ है, ये बदमाशी कर रहा है। अल्बेस्टर तो पीछे है, बढ़िया ही अल्बेस्टर पूरा। अभी इसको चढ़ाना है तो अभी तो चढ़ेगा नहीं, अभी बाकी काम कर रहे थे अभी दोस्तों। हमारा इधर सेल उभर रहा किचन का, चलो अभी अल्बेस्टर अभी चढ़ा नहीं है, चलेंगे जब उधर का काम हो जाएगा। तो रड कैसे घुसाएंगे? ऊपर से घुसाएंगे वो उधर। यहाँ पर किचन का सेल पड़ेगा, नंदिनी यहाँ खाना बनाएगी दोस्तों। नहीं तो लड़का, नहीं तो लड़का बात क्या है? नहीं बैठ गया, नंदिनी देख रही है गौर से, ज्यादा चौड़ा हो गया ना दोस्तों, इसीलिए नंदिनी बोली कम कीजिए चौड़ा। वो अभी हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है ना। गुल्लू का अच्छा जमाने टेढ़ा हुआ का मत बनेगा उसको, मतलब इधर देखो ऐसे करके मत ढलाओ, ऐसे करके रहना चाहिए। क्या किया? इधर बेसिन का पानी इधर ना चल जाए, वो तो ढलाई बनाएंगे तब। खा लिया बोलते नीचे, वो सिरमिट के साथ हो जाता है। अगर टाइल्स लगेगा ना तब हो जाएगा। टाइल्स कहाँ से लाएंगे? हाँ मिलेगा नहीं, खर्चा खर्चा करना खत्म हो गया, इतना पैसा खत्म हो गया, कंगाल होते जा रहे हैं इतना काम करते करते हम लोग। जल्दी सोच रहे कि घर में कैसे घुसेंगे, घुसेंगे टाइम लगे, हाजिरी भी नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे ना बाबा हाजिरी। हाँ हाजिरी नहीं देगा, हाजिरी नहीं देंगे, एक महीना बाद देंगे। एक महीने दिखाएंगे क्या? एक महीने कहाँ खाना खिला देंगे? क्या खाते? मार भात, सब्जी भात, डेली का चिकन खाता है, चिकन खाते तो सब्जी से सस्ते पड़ेगा चिकन। ला देंगे आधा आधा किलो लाएंगे, एक एक पीस देंगे। हम लोग खाएगा तो बच्चे लोग खाते हैं, एक एक पाव खाते हैं ना, एक एक पाव खाएंगे तो मेरे को बुला देंगे। चलिए दोस्तों काम हो रहा है, अभी इसका हो जाएगा तब। हम भी जा रहे नहाने के लिए, जाओ नहा दो के फ्रेश हो जाओ, नहा दो के तो नंदनी पूरा रेडी हो गई है। देख सकते हैं हमारा खाना बन रहा है, रोटी और सब्जी है, रात का दोस्तों खाली रोटी बनाएगी। ये देखिए कितना है, इसको भी फ्रेश कर दिए, अब घूमेगा। यहाँ का सब वेस्ट हो गया सारा, सब आटा हमारा खत्म हो गया, गुल्लू खत्म हो गया दोस्तों, आटा अभी लाना पड़ेगा। एक कैट कपड़ा धोवाया, अभी रखे हुए बाथरूम में, मतलब पूरा पानी पसर जाएगा, मतलब गिर जाएगा ना अच्छी तरह से। पसार देना है, दूध भी अच्छा खिला हुआ है, आराम से सूख भी जाएगा। दूध को खोल दे रहे, खोल दे रहे, इसमें आटा है दोस्तों, गुल्लू बोल रहे खोल ले, नहीं खोल रहा, मैं हम क्या करें? अरे बाप रे बाप, गुस्सा देखिए, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, बचा के जा जीरे से नाटक है। देखो देखो गुस्सा देखो, गुल्लू का कितना तेरी गुस्सा सब फेंक के तोड़ देगा, क्या मेरा घर खत्म हुआ? इतना गुस्सा कहाँ से आया इसके पास? इसका पापा मेरे इतना गुस्सा नहीं है दोस्तों, गुल्लू पता नहीं कहाँ से सीखा गुस्सा, सब माँ का गुस्सा लेके आया है। देखिए देखिए बाप रे, अभी वही है, कैसा बच्चा है ये, इतना गुस्सा सही है इसके लिए?
दोस्तों सुन नहीं रहा, बोरा ढक्कन खोलो आटा गिराएगा। हो गया गुल्लू छोड़ दो, उसमें नहीं है कुछ। चला खोल दे रहे, खोल दे रहे। क्या है दोस्त, देखिए अपने गुल्लू नहीं खुल रहा बेटा, नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। अरे भैया तो दोस्तों इसको खोल के दिखाना ही पड़ेगा, तब जाके शांत होगा। ले लो खोल दे, खोल दे, ले लो खोल दे, लो कुछ दाता नहीं है बेटा। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, ये लो ढक्कन। बदमाशी इतना है ना। अरे भैया बहुत बदमाश हो गया है। अब देखिए रोने लगा पूरा जोर से। क्या करे दोस्तों, परेशान हो गए गुल्लू से तो। इतना रोता है ना, अगर कोई चीज ना मिले ना तो सर को उठा लेता सारा कुछ। जब तक वो चीज नहीं मिलेगा उसको, जब तक वो ऐसा करेगा। मेरे को बोरा की खोल दो ढक्कन। हाँ ठीक है, चुप चुप हो जा, हम कर देंगे, चुप हो जा। ठीक है ये लो, लो लो, जा खुश रहो, तुम ही जा, तुम ही खुश रहो, हम ही दुखी रहेंगे। चलिए गुल्लू खुश हो गया दोस्तों। लग रहा है एल्वेस्टर अब चढ़े गए, देखिए एल्वेस्टर चढ़ा ने का तो दोस्तों पकड़ने बोल एल्वेस्टर हमसे पकड़ाएगा, बहुत के हमसे पकड़ाएगा। तो चलो दोस्तों एल्वेस्टर भी चढ़ाना, आशीष जी को आने देते हैं। दोस्तों हमारा एल्वेस्टर अभी चढ़ रहा है आराम से। डंटा डंटा क्या कीजिएगा, क्या करेगा देखना वो दिमाग। क्या बोले दीदी, इतना काम है हम लोग आ रहे हैं, आड़ा क्लब पे आड़ा कर रहे हैं। ये अभी चुलका उतरा लेंगे अलग इनसे, ताकि क्या तो काटे ही मिलेंगे, काटे ही मिलेंगे, तो ना तो नहीं तो ना काटे ही मिलेंगे। ये हमारे तो रुको बेटा, वहाँ काटे ही कर रहे हैं। ए जी जी इधर आइए जल्दी, हेलमेट चार पकड़िए। तो दोस्तों आशीष जी आ, क्या बोले आज जी जी भी जल्दी जल्दी आ रहे दोस्तों। ये देखिए एक एल्वेस्टर चल रहा है, रुके रुके आ रहे हैं, चलो जाइए आप बैठो बैठो बैठो। चलिए दोस्तों ऊपर चढ़ते, तो फाइनली दोस्तों एल्वेस्टर तो चढ़ गया हमारा। एक तो चढ़ा है अभी अभी, यार भी है सभी चढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़िया से चढ़ाना है। अच्छा लग रहा है नंदनी, बहुत खुश है नंदनी अंदर से। चलिए ऐसी करके सब चढ़ा लेते हैं दोस्तों, एल्वेस्टर को आगे वहाँ पे रख देंगे, उसके बाद ना वहाँ पे आसानी होगा चढ़ाने में, से कर दे रहे हैं पूरा, सब ले जाएंगे ना अभी, सभी को भी रखेंगे दोस्तों वहाँ, तो फिर ऊपर चढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग पे बने रहिए आप लोग, तो चलिए दोस्तों आशीष जी और सभी चढ़ा रहे हैं। एक एक तो चढ़ गया है, तीन तो चढ़ गया, ये चौथा चढ़ रहा है दोस्तों। अब अंदर जाके देखते हैं दोस्तों, पूरा हमारा रूम अच्छी तरह से ढक गया है, आराम से रखा भी हाँ के अंदर आ गए हैं। और देख सकते हैं दोस्तों हमारा रूम ढक गया है, वाओ ब्यूटीफुल, तो काफी अच्छा लग रहा है हमको, देखिए कितना अच्छा ढक गया है रूम। आप इतना इतना चढ़ाइएगा, ओ उधर चढ़ाइएगा अभी, ये होल एल्वेस्टर ना दोस्तों उधर चढ़ेगा दोस्तों। कितना सुंदर लग रहा सारा, हाँ हाँ पूरा झप गया, झप गया है। हाँ आप कहाँ हैं, आप तो नजर ही नहीं आ रहे, तेरा हो रहा ना ठीक। हाँ अब लग रहा तेरा घर एक एल्वेस्टर में और झप जाएगा दोस्तों, और फिर बाकी अब किचन है, किचन में भी देना है दोस्तों। एल्वेस्टर बार बार चढ़ रहा है दोस्तों, पूरा तो हो गया, बस एक कोना बचा है अब।
हाँ वो भी हो जाएगा। हाँ गुल्लू घर बन गया, गुल्लू का घर बन गया है। गुल्लू ज्यादा पर हो गया। हाँ अब इसमें एक लगाना होगा बल्ब। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा हो गया हमारा रूम। वाह अच्छा ना, पंखा यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अभी आधा लगा तो इतना सुंदर लग रहा, पूरा लग जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ब्लॉग पे बने रहिए आप लोग। देख सकते हैं अल्बेस्टर पूरी तरह से चढ़ रहा है हमारा, देख लीजिए। बस एक अल्बेस्टर बच्चा यहाँ डालना है और फिर पूरा चढ़ जाएगा हमारा दोस्तों। पूरा अल्बेस्टर हमारा चढ़ गया है, बहुत चढ़ने बहुत मेहनत करना पड़ा, आखिर में हो ही गया हमारा काम दोस्तों। देख लीजिए पूरी तरह से अंदर से तो पूरा हमारा घर दिखेगा अच्छा से, कैसा दिख रहा है दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। अल्बेस्टर चढ़ गया आराम से हमारा घर, मतलब आधा तो पूरा तैयार हो गया। बाकी का काम है नीचे ग्रिल व्रिल लगाना दोस्तों, वो सब तो अब जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे से करेंगे। बस एक काम तो हो गया हमारा अल्बेस्टर लगने वाला काम। तो दोस्तों अब हमारा अल्बेस्टर में हुक लग रहा है, सभी सबको नीचे से छेदा किया जा रहा है सबको। इधर नंदिनी बैठी हुई है, क्या हो गया इसको लेके क्यों बैठी? ये लोग छोटा हो गया है। छोटा दे दिया दोस्तों, जब तक कसा जाएगा लेते ही जल्दी जल्दी हो जाएगा लगने। इतना 6 इंची का चाहिए जा रहे, 6 इंची का ले आते हैं। खुजली पत्ता, अरे खुजली पत्ता धनिया पत्ता बोलते हैं तो खुजली पत्ता बोल रहे हैं। धनिया पत्ता है तो नालम हो गया। तो पूरा काम हो गया हमारा छत का, सब कड़ी उड़ी सब लग गया, हुक जितना लगना था सब लग गया है। अब खाली काला ईटा ऊपर चढ़ा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा वजन भी देना होगा ना, तो चारों साइड से बाउंड्री जैसा दे देंगे कि वजन रहेगा कि हवा उबा आए तो कहीं कुछ दिक्कत ना करे। अब खाली ये वाला तो यहाँ पर लगाएंगे और काला ईटा मंगाना पड़ सकता है। अब लग रहा है दोस्तों हमारा घर सपनों का घर जैसा, बस ये हो जाएगा दोस्तों। और थोड़ा सा ये रेक बन जाएगा, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे इसमें ग्रिल लगा के। बिजली बिल लेना है और पानी रहने के लिए। पानी कहाँ से लाएंगे? जैसे काम हो रहा है कुआं खोदना चाहिए था तुमको, सबसे बढ़िया, पानी का कमी नहीं होता, सच में नहीं होते, कुआं निकल जाता तेरा। ईटा क्या करना है? ऊपर जा रहे चुट चुट के देंगे, सब ईटा ला के दे दो, सब लगा देंगे। वहाँ भी लगा हुआ हमारा काला, कहाँ काला वहाँ क्या करे काला ईटा? अच्छा मसाला के लिए वहाँ भी लगा हुआ है। चलिए सारा काला ईटा हम लोग चुन लेते हैं, दे देते हैं ऊपर, अपने जोड़ेंगे सभी। तो चलिए दोस्तों हमारा ईटा तो जा रहा है, आधा ईटा चले गए, अब आशीष जी आधा यहाँ का ईटा लेके जा रहे हैं दोस्तों। हाँ बेटा तुम खेलो तो यहाँ पे बालू में खेलो, जाओ गुल्लू को छोड़ दिए। ये वाला ईटा हम ही लोग लगाए थे ना दीदी, ये सब ईटा दोस्तों यहाँ पे ईटा हम ही लोग लगाए थे, तो बोल रहे कि ये सब ले जाके जितना सब यूज हो जाएगा। हट जा बहुत बनवा। चलो चलो यहाँ तुम खेलो। तो चलो दोस्तों यहाँ पे तो गुल्लू खेल रहा है, खेलो हमारे आ रहे, आना मत। और कितना ईटा लगेगा? बहुत अभी दो साइड हुआ है और दो साइड होना है। बाप रे बहुत पूरा ईटा सब इतना काला दे दी दोस्तों, पूरा काला ईटा तो जितना था बटर उटर के दे दिए हैं। और देखिए जो भी और लगेगा, एक गाड़ी बोल दीजिए काला ईटा, ऐसे भी उधर जोड़ा नहीं है, बोल दीजिए
जो अभी चढ़ रहा फिर बाकी कल चढ़ा दीजिएगा क्या दीदी। तो चलिए दोस्तों इधर तो जो ईटा है अभी तब तक के लिए चढ़ा देंगे और कल जब आएगा तो कल चढ़ेगा दोस्तों। काम हो गया है अब ईटा तो दे दिया हम लोग सब ऊपर चढ़ा दिए। अब मट्टी डाल रहे हैं रूम में क्योंकि रूम को तो ढलाई करना होगा तो मट्टी डाल उसको थोड़ा बराबर करना होगा। नंदरी भी लगी हुई है चलिए जल्दी ये सब काम करना होगा। गुल्लू देखिए क्या कर रहे हैं। गुल्लू से तो हम परेशान हो गए दोस्तों सुबह से वो हमको बहुत परेशान कर रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए हमारा सपनों का घर बन के रेडी हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों हमने आके ऊपर से देख रहे हैं दोस्तों पूरा दिख रहा है। अल्वेस्टर भी लग गया ईटा भी सज गया आधा इतना सजा है हमारा काफी सुंदर लग रहा है देखने में भी। दोस्तों बहुत खुश है कि अल्वेस्टर अब बस थोड़ा बहुत काम बचा है दोस्तों उसके बाद हम लोग जल्दी ही ये घर में हम लोग बहुत काम है इतना जल्दी नहीं घुसेंगे बस लग रहा है कि अब घर है दोस्तों पहले जैसे तैसे दिख रहा था घर लग रहा है दोस्तों लग रहा है यहाँ से व्यू कुछ अलग आता है हमारे घर का। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से चलते हैं देख लिए हमारा घर काफी सुंदर दिख रहा है और ये बगल वाले दोस्तों हमारे पड़ोसी के घर छत से हम लोग देख रहे हैं अपना घर को बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों आगे से अच्छा दिख रहा है पूरा लग रहा है अपना सपनों का घर बन रहा है दोस्तों। अब थोड़ा टाइम लगेगा शिफ्ट होने में भी टाइम है दोस्तों क्या अभी तो बहुत काम है उसमें ग्रिल लगेगा भाई अल्वेस्टर लग गया ना कि आदमी वहाँ पर रह सकता है बैठ सकता है उठ सकता है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नीचे। तो हमारा घर का तो जितना आज काम होना था हो गया अल्वेस्टर लग गया सब कुछ उधर का कंप्लीट हो गया है। अब जो होगा कल होगा सभी अब जा रहे हैं घर छुट्टी का टाइम हो गया 5 से 5:30 हो गया। काफ़ी काम किया गुल्लू तो अभी भी काम कर रहा है देखिए। तो चलिए दोस्तों अब ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा हमारा वीडियो को और हमारे वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय गुल्लू बाय बाय।